दिस इज रिचा शर्मा, वेलकम टू माई चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक है और मैंने ऑलरेडी 5-6 टॉपिक इसमें कवर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिकल एजुकेशन के नाम से, उसके अंदर मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है। ये यूनिट 2 है एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। इससे पहले हमने फूड हैबिट्स एंड जो माल न्यूट्रिशन है वो मैंने कवर कर दिया है, देख लीजिएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाया करो और शेयर भी ज़रूर किया करो जो किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। हमारे बैलेंस डाइट में जो एलिमेंट्स होने चाहिए, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। लिसन केयरफुली, ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे बैलेंस डाइट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो आप इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट ऑल दीज एलिमेंट्स, बट यू कैन स्किप सम मटेरियल फ्रॉम दीज ऑल एलिमेंट्स। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट, इन सारे एलिमेंट्स के आप फंक्शन लिख दीजिए, सोर्सेज लिख दीजिए, सफिशियंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन्स 12 तरह के होते हैं, उनमें से भी 7-8 जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम होगा एग्जाम में और ना ही इतनी शीट्स अवेलेबल होंगी। तो बेटर यही रहेगा कि सबके बारे में लिखो, बट फंक्शंस और सोर्सेज जो मेन आते हैं वो आप जरूर लिख दीजिए, ठीक है। एडवांटेजेस मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बिकॉज जब आप उस एलिमेंट के बारे में बताओगे तभी उसका एडवांटेज भी आ जाएंगे वो, ठीक है। तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग योर हेल्थ फिटनेस। दे हेल्प अस इन बिल्डिंग योर बॉडी स्ट्रेंथ बाय वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, बिकॉज अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स एट अ टाइम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिल जाती है। ये इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे लेबर्स होते हैं वो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं बिकॉज राइस आर कंसिडर्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनफैक्ट दे आर अमंग द 3 प्रोमिनेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट सर्व एज एक्सीलेंट एनर्जी प्रोवाइडर्स, द अदर 2 बीइंग फैट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब ये 3 ऐसे फूड होते हैं जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 जो फूड्स आते हैं ये प्रोमिनेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या क्या होंगे? फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आप शुगर है, जैगरी मीन्स गुड़, हनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केचप्स, कैंडी, जेली, ये सब जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं जो आपको बहुत ही ईजिली और आप एट अ टाइम खा सकते हो। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं राइस, वीट, ज्वार, मेज, सीरियल्स, पोटैटो, ये सब जो है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की जो प्राइमरी फंक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, दिस इज टू सप्लाई द एनर्जी, ठीक है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च शुगर प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज पर ग्राम कैलोरी। नीड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है ना एकदम से, उसको प्रिवेंट करता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेडिली अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि आप एट अ टाइम अगर आप कैंडीज खा लेते हो, ठीक है, उनमें भी पॉलिश शुगर होती है, तो आपको कुछ एनर्जी मिल जाती है कि आपका टाइम निकल जाएगा। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेडिली अवेलेबल एनर्जी। इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फ्यूल सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लीवर्स। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी इज स्टोर्ड इन लीवर, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है ना वो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है और मसल्स, लीवर एंड मसल्स इन द शेप ऑफ ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसका मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, अगर आपको समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड जियालैक्टोज, एंड डायसेक्राइड्स लाइक सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज बाय द सेल्स, की जैसे पहले के सेल्स उसको यूज कैसे करेंगे जब उसको कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज ये एक साइंस का सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊँ। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लिख देना कार्बोहाइड्रेट्स बाय लेट्स स्टडी विद रिचा, तो आपको मिल जाएगी। आपको जितनी डिटेल उसमें से लिखनी है आप लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे आपसे सोर्स लिखिए, टाइप किया, पिक्चर बना दीजिए। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 एरो टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड अदर इज टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सफिशियंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे आर चेन ऑफ 300 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल, विटामिन एंड फाइबर्स। नाउ बैड इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कि बॉडी लॉस, जैसे कि वेट कम हो जाता है, बहुत पतले होने लग जाते हैं। अ डाइट विच इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स कैन लेड टू ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगी तो उनमें ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा बहुत ज़्यादा आएगा उनको, ठीक है, या फिर उनके दांत गिरने लग जाएंगे।
तो डेली नीड कितनी हुई कार्बोहाइड्रेट्स की, 60-65% ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि 60-65% तक की कैलोरीज उनसे मिल पाए, यही इसके लिए इतनी जो डेली नीड उनकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एन एवरेज इंडियन नीड 400-500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर डे, वेयर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड्स अबाउट 4.2 कैलोरीज ऑफ हीट। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है फैट। फैट क्या है ये भी आपको पता है कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था कि फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो फैट आर ऑल्सो एनर्जी सोर्स बाय द बॉडी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फैट एज 9 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ईच प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम। फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या होंगे कि जैसे कि ऑयल सीड्स, कोकोनट, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, चीज़, राइट, बटर, घी, एग, योग, फिश, ये सब जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं, इनसे भी फैट मिलता है। एनिमल फैट्स जैसे कि घी, बटर, मिल्क, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, और वेजिटेबल जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सेसमे, कोकोनट एक्सेट्रा, इनसे हमें ये हमें वेजिटेबल सोर्स ऑफ फैट्स आ जाते हैं। अदर सोर्सेज लाइक पल्सेज, नट्स, वेजिटेबल, इनसे भी हमें सोर्स फैट्स मिल जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, फैट सर्व एज अ वेहिकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, की फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा फैट वाला फूड खाते हैं तो पता है ना फैट बढ़ जाती है। सो इट प्रोवाइड्स द नीडेड एनर्जी, इट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड बोन्स फ्रॉम शॉक, कि जैसे अगर आपके सामने कोई भी एक सिचुएशन एक्सीडेंटली आ जाती है तो आप एक शॉक की तरह रिएक्ट करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ फैट्स इन योर बॉडी। प्रोड्यूसेस हीट इन द बॉडी एंड एनर्जी फॉर मसल्स, इट स्पोर्ट्स वाइसेरा सच एज हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन्स, ये स्पोर्ट प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, सो डाइजीज कॉज्ड बाय फैट्स, विच डाइजीज विल कॉज लाइक ओबेसिटी, की ज़्यादा मोटापा आएगा। ठीक है, स्किन डाइजीज लाइक स्किन आपकी जैसे आप देखो ना सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है बिकॉज आपके मॉइस्चर की कमी है, बिकॉज आपके फैट की कमी है। ओके, या और भी जैसे किसी को रैशेज हो जाते हैं, या ये सब फैट के कारण होते हैं, डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। हार्ट डाइजीज, कैंसर, एंड रिकमेंड किया जाता है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने रिकमेंड किया कि डेली इंटेक ऑफ नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल एनर्जी थ्रू फैट, कि जो फैट के थ्रू एनर्जी आनी चाहिए ना वो 20% से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, देयर इज नो लाइफ विदाउट प्रोटीन। देखिए, मैंने उतना ही मटेरियल लिया है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, और जहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा मैं आपको बता दूंगी कि ये आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में है उसमें आप सिर्फ उनकी डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, फर्स्ट थ्री टाइप्स का वो एरो बना के लिख दीजिए और उसके फंक्शंस लिख दीजिए। ठीक है, सोर्सेज लिख दीजिए, दैट इज सफिशियंट। सिमिलरली आप हर एलिमेंट का कर दीजिए। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नॉन एसेंशियल प्रोटीन एंड एसेंशियल प्रोटीन, दिस इज सफिशियंट, नो नीड टू एक्सप्लेन देम मोर। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज वेजिटेबल एंड एनिमल, उसका जो आपने मैंने बताया था कि नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में डिवाइड कर सकते हो, वो भी आप एरो बना के लिखिएगा। एक तो आपकी स्पेस कम लगेगी, आप साइड में बना सकते हो, और दूसरा इंप्रेसिव लुक देगा। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज वेजिटेबल एंड एनिमल डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज, द चीफ सोर्सेज आर एनिमल प्रोटीन लाइक एग, फिश, चीज एंड मिल्क, वेजिटेबल प्रोटीन लाइक बीन्स, पीज, लेंटिल्स एंड एनिमल सोर्सेज लाइक मिल्क, मीट, एग्स, चीज, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि वेजिटेबल सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है बॉडी के अंदर, उसका वो प्रोटीन का काम है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हेमोग्लोबिन, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, कि अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो उसको कितनी जल्दी रिकवर करना है, मेंटेन करना है, हमारे बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ। अगर किसी बच्चे की हाइट कम होती है तो उसके बताते बेटा तुम दूध नहीं पीते क्या, दूध में ये पाउडर डाल के पियो, मतलब उसकी प्रोटीन पावर को बढ़ाओ। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड आई सिंथेसिस ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन्स डोंट गिव यू कैलोरीज और एनर्जी बट डू हेल्प यू स्टे हेल्दी। देखिए, हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, एनर्जी प्रोवाइडिंग हमारे 3 एलिमेंट्स ही हैं, देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो विटामिन आ जाता है ये हमारी हमारे हेल्थ को हेल्दी रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमें फिट रखते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन बी एंड वी, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, वैसे विटामिन 12 तरह के होते हैं बट यहाँ पर सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप विटामिन को एक कंक्लूजन निकाल के ही हम ऐड करेंगे। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे कैन बी स्टोर्ड इन योर बॉडी।
एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर लाइक B1, B2, B3, B6 एंड विटामिन सी, दे आर नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट इन बॉडी, इसको हम बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। 13 विटामिन्स होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो A, B, C, D, E एंड K, ठीक है, सिक्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल। मिनरल इज डिफाइंड एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंटेनिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट रिमेन्स एज ऐश व्हेन फूड इज बर्न्ड। योर बॉडी नीड्स मिनरल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, क्रिएट हार्मोन्स एंड टू रेगुलेट योर हार्ट बीट की, जैसे आपका हार्ट ऐसे बीट करता है ना, उसको बीट प्रॉपर तरीके से वो करता रहे, उसके लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं। देखिए मिनरल वाटर पियो, बिकॉज वाटर हमारे बॉडी में बहुत जल्दी अंदर पूरे पार्ट्स में चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो उसके थ्रू हमारे जो भी कोई कमी रह जाती है शरीर में एट अ टाइम प्रोवाइड करवा देता है। मिनरल्स हेल्प इन रिलीजिंग द एक्स्ट्रा फ्रॉम फूड एंड इम्प्रूव ब्रेन फंक्शनिंग विच कैन हेल्प यू मोर क्लियरली एंड मेक वाइजर डिसीजन। देखिए अगर आप कभी भी नर्वस होते हो तो आप 2 गिलास पानी पी लीजिए, आप अपने आप को रिफ्रेश फील करोगे, ठीक है। तो ये हमारे जो फंक्शनिंग है ना उसको एक रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मेजर मिनरल्स लाइक दे आर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ट्रेस एलिमेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मिलीग्राम्स पर डे, फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयोडीन, फ्लोरिन। देखिए आयरन रिच फूड होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा आयरन रिच फूड नहीं होना चाहिए, तो उससे हमारे बॉडी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्रेस कंटेनमेंट्स विद नो नोन फंक्शन लाइक लेड, मर्करी, बेरियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, दीज आर कंटेनिंग इन द फूड ओनली। फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, अब फंक्शंस क्या होंगे, किस टू स्टिम्युलेट डाइजेस्टिव सिक्रेशन की, जैसे हमारा फूड हमारे हम अंदर खाते हैं, च्यू करके लेके जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो जो जूसेस होते हैं सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसको और भी उसका जूस क्रिएट करता है, और उससे जो भी लिक्विड पार्ट रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसको वो यूरिन के थ्रू आउट ऑफ बॉडी कर देते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिक्रेशन में हेल्प करता है। मिनरल्स टू मेंटेन टोन ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड। दे कॉन्स्टिट्यूट बॉडी सेल्स ऑफ विच मसल्स, ब्लड कॉर्पस, लिवर एक्सेट्रा आर कंपोस्ट। टू मेंटेन रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सच एज बोन्स, टीथ, इनको बनाने में हेल्प करता है। देखिए ये पॉइंट्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, ये एक कंटेंट है जो आपको लिखना पड़ेगा। सो दे मेंटेन एसिड बैलेंस, सम सॉल्युबल सॉल्ट्स गिव कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी सच एज सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। दे मेंटेन नॉर्मल राइम इन द हार्ट बीट, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कलर। नेक्स्ट इज वाटर। अकॉर्डिंग टू मेडलिन प्लस, हाउ मच वाटर यू नीड डिपेंड्स अपॉन योर साइज, एक्टिविटी लेवल एंड वेदर, कि आपका जितनी आपका वेट होगा उस अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीना चाहिए। ये आपको चार्ट्स बहुत ही इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बॉडी, बिकॉज अगर आप गंदा पानी पीते हो, डर्टी वाटर पीते हो, तो आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे BNC, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी वाले बेसिस होती हैं। सो मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड इट इज़ अ बेस्ट फ्लूड टू ड्रिंक इन एनी फॉर्म। 75% ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज विद एज, थस इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन वर लार्जर वाटर कंटेंट एंड देन एडल्ट्स, की जो बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है एडल्ट से। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आप कुकुम्बर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड वाटरमेलन खा सकते हो। वाटरमेलन में तो बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ वाटर होती है, तो अगर आप इन फूड्स को खाओगे तो भी आपकी वाटर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वाटर, कुकुम्बर, टोमेटो, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, चीज़, इन सब में भी वाटर मिलता है। तो फंक्शंस क्या होंगे वाटर के, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट सेव्स द बोन्स फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल एंड ड्राई, इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी के हर पार्ट के अंदर। इट रेगुलेट्स द ब्लड बॉडी टेम्परेचर, सप्लाइज अ मिनरल सॉल्ट टू द बॉडी एंड इट हेल्प्स फॉर एवरी केमिकल प्रोसेस, कि कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फर्स्टली कंसिडर किया जाता है कि 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है, तो यू विल फील रिलैक्स। इट हेल्प्स फॉर ऑल द टिश्यू ऑफ बॉडी, इट ट्रांसफर्स ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल सेल्स एंड कैरीज अवे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, की जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे यूनिन में लेकर आते हैं, और जो बाकी जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको उनके नर्व्स के थ्रू पहुँचा देते हैं। सो वाटर बैलेंस इज नॉर्मल मेंटेन बाई इट्स इनटेक एंड नॉर्मली वी नीड 2.5 लीटर टू 5 ग्लासेज और 5 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। कम से कम हमें 5 से 6 गिलास पानी तो डेली पीना ही पीना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर आल्सो नोन एज रफेज इज द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एंड बीन्स दैट द बॉडी कांट ब्रेक डाउन।
सो इट पासिस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्टेड, कीपिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन एंड हेल्थी, फ्लशिंग कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मफुल कार्सिनोजेंस आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर लेकर जाने के लिए हेल्प करता है. तो इसके सोर्सेज कौन से होंगे, लाइक बीन्स, नेक्स्ट इज होल ग्रेन, ब्राउन राइस. वाइट राइस डज नॉट ऑफर मच फाइबर, ब्राउन जो वाइट राइस होते हैं ना सफ़ेद वाले जो हम रूटीन में घर में खाते हैं उनमें ज़्यादा फाइबर नहीं होता, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है. ठीक है, पॉपकॉर्न में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. नट्स, बेक्ड पोटैटोज विद स्किन मतलब कि छिलके के साथ ही आलू को बॉयल करके खाना. बेरीज. सो ये था मेरा सेशन एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. आई होप आपको पूरा कंटेंट मिल गया होगा, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करके जाया करो, और सेशन पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.